जिले के सेपऊ थाना पुलिस ने सोमवार सुबह बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। NH 123 पर रजोरा कला टोल प्लाजा के पास कैंटर गाड़ी से 30 गोवंश को मुक्त कराया है। गाड़ी के अंदर एक गोवंश मरी व्यवस्था में पाया गया है। हालांकि आरोपी खेतों में कूदकर फरार हो गए, लेकिन गाड़ी को कब्जे में लेकर पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है। थाना प्रभारी परमजीत सिंह पटेल ने बताया, स्थानीय पुलिस थाने की गश्ती दल NH 123 पर यूपी बॉर्डर घोघरई की पुलिया में गश्त कर वापस लौट रहा था। रजोरा कला टोल प्लाजा के हाई पास हाईवे किनारे बंद बॉडी कैंटर गाड़ी खड़ी हुई थी। पुलिस का गश्ती दल जैसे ही गाड़ी के पास पहुंचा तो आरोपी गाड़ी की केबिन से कूदकर खेतों में फरार हो गए। बंद गाड़ी की गेट को पीछे से खोलकर देखा तो गोवंश ठूंस ठूंस कर भरे हुए थे। उन्होंने बताया गाड़ी के अंदर टोटल 31 गोवंश पाए गए थे, जिनमें 30 सांड व एक गाय शामिल है। एक सांड गाड़ी के अंदर मरी हुई अवस्था में पाया गया। उन्होंने बताया गाड़ी को कब्जे में लेकर एक गोवंश को मुक्त कराकर स्थानीय ग्राम पंचायत को सुपुर्द किया है। या सर क्या कार्रवाई हुई? आज सुबह जरिए सूचना कंट्रोल रूम मिली कि एक गाड़ी है जिसमें गोवंश हो सकता है। नाकाबंदी की गई, दौरान नाकाबंदी गाड़ी नहीं आई तो वो रास्ते को चेक किया गया तो एक गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी मिली, जिसको चेक किया तो उसमें गोवंश दिखाई दिया और आसपास मूल्यवान और अन्य व्यक्तियों को तलाश किया, कोई नहीं मिला। गाड़ी को कब्जा पुलिस ले जाकर गोवंश को मुक्त कराया गया। गोवंश की संख्या 31। और सर जो आरोपी उनके लिए क्या? उनके लिए विशेष टीम गठन करके शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा।